हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सर, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज की अनाउंसमेंट सर, रिगार्डिंग एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट। एग्ज़ाम्स दोबारा पोस्टपोन्ड हो गए हैं सर। मेरे पास सर इन्फॉर्मेशन आई थी कई सारे सोर्स से, लेकिन सर जब तक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ना हो जाए तब तक वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं लानी चाहिए। तो सर, अब मैं आपको लाइव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ले जाकर ही दिखाऊंगा कि देखो सर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही आ गई है। पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी नहीं चल रही थी। तो देखो जी, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अगर आप नीचे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाओगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई है। ये देखो जी, थर्ड आइटम दिख रही है आपको, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रिवाइज शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन नवंबर 2020। 13 अक्टूबर की अनाउंसमेंट है ये, आपका रिवाइज शेड्यूल है सर। एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अब जो एग्जाम आपके स्टार्ट होंगे वो सर कुछ इस तरीके से हैं, ध्यान से सुनना, कुछ इस तरीके से हैं। फाउंडेशन के एग्जाम शुरू होंगे सर 8 तारीख से, 8 दिसंबर से, 8 दिसंबर से, 8, 10, 12, 14। सर, जो इससे पहले जो अनाउंसमेंट आई थी रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम जो 17-19 है, अब वो सब बेकार हो गई है। अब वो सब इलेक्शन विलेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। अब फ्रेश उन्होंने डेटशीट जारी करी है। क्या जारी करी है डेटशीट? फाउंडेशन के एग्जाम जो होंगे वो 8 दिसंबर से होंगे, 8 तारीख, 10 तारीख और 12 तारीख और 14 तारीख, उसी ऑर्डर में जो आपका पेपर होता है कि सर 8 को अकाउंट्स का, 10 को लॉ का, 12 को आपका मैथ्स का और 14 को इकोनॉमिक्स का, इस तरीके से पेपर होगा। अगर मैं आईपीसीसी ओल्ड कोर्स की बात करूं तो सर आईपीसीसी ओल्ड कोर्स के जो एग्जाम है वो 22 नवंबर से शुरू होंगे, 22 नवंबर से शुरू होंगे, ध्यान से रखना। फाउंडेशन 8 दिसंबर है और आईपीसीसी 22 नवंबर है, नवंबर में होंगे सर 22, 24, 26, 28, फिर 1, 3, 5। आई इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के जो एग्जाम है वो 22 नवंबर से होंगे, यानी कि 22, 24, 26, 28, फिर 1, 3, 5, 7, ये उन्होंने रिवाइज डेट्स रखी हैं। फाइनल ओल्ड कोर्स के जो एग्जाम होंगे वो 21, 23, 25, 27 और फाइनल ग्रुप टू के 29, 2, 4 और 6। फाइनल न्यू कोर्स के जो एग्जाम है वो 21 नवंबर से शुरू होंगे, 21, 23, 25, 27, 29, 2, 4, 6। ये आप देख लेना सर, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बाकी सब चीजें सेम है। और नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है इन्होंने, क्या ध्यान से देखना, क्या ये देखो, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट आईपीसीसी अंडर ओल्ड सिलेबस इज एक्सटेंडेड टू वन मोर एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस कैन राइट देयर एग्जाम अप टू मई 2021 एग्जाम टर्म। यानी कि सर, जो आईपीसीसी का ओल्ड कोर्स का ये लास्ट अटेम्प्ट था नवंबर 2020, अब वो एक्सटेंड हो गया है और वो मई 2021 पे चला गया है। फाइनल तो उन्होंने पहले एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन आईपीसीसी ओल्ड कोर्स को भी उन्होंने मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आईसीआई की तरफ से। दोबारा बता रहा हूँ सर, क्या अनाउंसमेंट है, फाउंडेशन के एग्जाम है वो 8 दिसंबर से शुरू है, इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है वो 22, इंटरमीडिएट और आईपीसीसी के एग्जाम है जो वो 22 नवंबर से शुरू है, और फाइनल के जो एग्जाम है वो 21 नवंबर से शुरू है। इस वेबसाइट को, इस नोटिफिकेशन को आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। तो सर, अब आपको और टाइम मिल गया है और अच्छे से तैयारी करना, और अच्छे से तैयारी करना, हो सके तो सर जरूर रैंक के लिए तैयारी करना। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि सर इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा, ये तो क्लियर हो गया है कि सर इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा, मतलब अभी तक तो यही लग रहा है सर इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा, फर्दर एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब कोई एक्सटेंशन होनी बनती है, क्योंकि सर होनी भी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट को कुछ अपनी टर्म्स को, अपनी कंडीशन को, सिचुएशन को सुधारना चाहिए, इस वजह से सर उन्होंने सुधारने के लिए एक्सटेंशन मांगी है आप लोगों से, और अब उन्होंने एक एक महीना जो एक्सटेंशन करी है। तो हो सकता है सर इंस्टीट्यूट कुछ नए तरीके लेके आए एग्जाम कंडक्ट करवाने के। पहले भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी थी, एसओपीस इश्यू करे थे, लेकिन सर उसमें बहुत कमियां थी। अब हो सकता है सर एक महीने के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए और एसओपीस वगैरह में कुछ सुधार लेकर आए, सो दैट सर एग्जाम अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाए जाए। एग्जाम तो होने हैं सर, एग्जाम तो होने हैं, तो आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से करके चलना। एक एक महीने की एक्सटेंशन हो गई है सर, जो सर मुझे लग भी रहा था और ये चाहिए भी थी सर, लगभग एक एक महीने की एक्सटेंशन तो वो हो गई है। इंटरमीडिएट फाइनल को इन्होंने नहीं दिए ज्यादा एक्सटेंशन, वो सर 15-20 दिन की दिया है, लेकिन कोई बात नहीं सर, फाउंडेशन वाले बच्चों को, उनको पूरे पूरी एक एक महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सर आईसीआई की तरफ से, प्लीज रीड इट एंड अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास करिए। बाय बाय, टेक केयर।